1 दिसंबर को होने वाले गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मतदान के बाद 3 दिसंबर को गोरखपुर विश्वविद्यालय वाणिज्य संकाय में मतगणना की जाएगी। चुनाव के बाद सभी जिलों में बैलेट बॉक्स गोरखपुर मंगाए जाएंगे। इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सभी बैलेट बॉक्स का CCTV कैमरे से निगरानी होगी। मतगणना को सकुशल सम्पन्न कराने के लिए सोमवार को सभी मतगणना कार्मिकों को सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन के सभागार में प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें मतगणना कार्मिकों को वोटों की गिनती की बारीकियाँ बताई गई। इस एनएक्सी भवन के सभागार में मंडलायुक्त व रिटर्निंग ऑफिसर जयंत नालिकर, अपर आयुक्त अजय कांत सैनी, ट्रेनर विजय मिश्रा, तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव कुमार दीक्षित सहित सभी कार्मिक मौजूद रहे। प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि पीठासीन अधिकारी के स्केच पेन से ही मत मान्य होगा। पीठासीन अधिकारी से मिले स्केच पेन से उम्मीदवार के नाम सामने वरीयता के हिसाब से अंग्रेजी, रोमन या फिर हिंदी में 1, 2 या 3 लिखना होगा। पहली पसंद के उम्मीदवार के सामने 1, दूसरी पसंद के 2 और फिर तीसरी पसंद वाले प्रत्याशी के सामने 3 लिखा जाएगा। उम्मीदवार के नाम के आगे ये तय कॉलम में ही अंक लिखने हैं। यदि पीठासीन अधिकारी के अलावा अपनी या फिर किसी और पेन से अंक लिखा तो भी वोट अवैध माना जाएगा। ट्रेनर विजय मिश्रा ने बताया कि अवैध मतों की गिनती भी साथ में ही की जाएगी। आपको बता दें कि शिक्षक विधायक के निर्वाचन में नी वर्तमान विधायक ध्रुव कुमार त्रिपाठी, अजय सिंह, विभ्राट चंद्र कौशिक, अवधेश यादव सपा, नागेंद्र दत्त त्रिपाठी कांग्रेस, देशबंधु शुक्ला, राम जन्म सिंह, राम प्रताप राम, रमेश कुमार विमल, अनिल कुमार गौतम, लाल बहादुर यादव, राजीव यादव, अरुण सिंह, नागेंद्र प्रताप सिंह, अनिल कुमार श्रीवास्तव व नरेंद्र सिंह अपना भाग्य अपना आजमा रहे हैं और इनके भाग्य का फैसला 3 दिसंबर को मतगणना के बाद होगा। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए मंडलायुक्त व रिटर्निंग ऑफिसर जयंत नालिकर ने कहा उसका नाम सीरियल नंबर बाएं साइड में आपको भर लेना है और दूसरी तरफ भर लेना है कि कितने मतपत्र उस मतपेटी से निकले हैं और उनका मिलान फॉर्म 16 जो बैलेट पेपर अकाउंट है उसके आइटम नंबर 5 मत संख्या 5 से मिला करके ये दिखा दीजिएगा कि कुल 167 मतपत्र बैलेट बॉक्स से बाहर निकले हैं और यही संख्या प्रपत्र 16 में भी दर्ज है। दूसरी बात यह है कि उसी दौरान अब ये निर्णय हुआ है कि उसी दौरान जो अवैध मत हैं उनकी भी सॉर्टिंग कर लेनी है। अवैध मत जो 50-50 का पैकेट आपको मिलता जब आप प्रथम वरीयता मतों की गणना करते उस दौरान छांटने के बजाय इनिशियल स्टेज में ही आप जब बैलेट पेपर को सीधा करें तो सीधा करके एक बार देखते जाइए। बता दिया गया है कि अजमान कहाँ पे अंकित होगा तो कौन से बैलेट पेपर वैध होंगे कौन अवैध होगा। जैसा कि कल डेमो के माध्यम से सर ने भी डिटेल में आपको बता दिया था कि प्रथम अजमान दिया जाने की 1 का अंक अभ्यर्थी के संबंधित थाने में दिया जाना अनिवार्य है। अगर उस पर्पस के लिए अजमान अंकित करने के लिए जो बॉक्स बनाया गया है जो स्थान निर्धारित है वहां पे अगर 1 का अंक नहीं है अभ्यर्थी के खाने में कहीं भी 1 अगर लिखा हुआ है तो भी बैलेट पेपर मान्य है। बोल करके कि देखिए इस कारण से ये बैलेट पेपर इनवैलिड है इसलिए इसको अलग रखा जा रहा है। तो एक वो मतपत्र जो वैलिड है दिखाना नहीं है ऐसे पलट करके आपको रखते चले जाना है बट अगर इनवैलिड है इनवैलिड वाले को दिखा करके सुनिश्चित कर लीजिए वहीं पे आपको सॉर्टिंग कर लेनी है वैलिड इनवैलिड की। इनवैलिड मतपत्रों को आप एक अलग जगह रख लें और उसके लिए एक अलग से गणना सीट आपको दी जाएगी छोटी सी जिसमें रहेगा बूथ नंबर ये और इनवैलिड मतपत्रों की संख्या ये बस 2 ही कॉलम होगा जिसे भर करके आप इनवैलिड वाले जो आपको पैकेट दिया जाएगा। अब जो कल बात हुई थी ना कि 1 लिफाफा दिया जाएगा जिसमें आप सभी मतपत्रों को रख करके लेकर के आएंगे राउंड वाइज और आरओ टेबल के पास जो बॉक्स है उस बॉक्स में डालते जाएंगे। अब क्या होगा कि एक एनवेलप आपको एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा जिस पर लिखा रहेगा रिजेक्टेड अवैध मतपत्र। तो जो वैलिड वाले हैं सपोज की 2 मतपत्र उसमें से या 5 इनवैलिड निकले 167 में से 5 इनवैलिड निकले तो आपने क्या कि 5
इन वैल्यू वाले अलग कर दिए और 162 जो वैल्यू है उनको आपने अलग कर लिया, फैक्टिव किए और दोनों गणना से भर करके ले जा करके आप टेबल पर दे देंगे। वो नंबर लेकिन जो डेमोक्रेसी है लोकतंत्र में जो निर्वाचन है वो दो तरीके से होता है। एक हो सकता है डायरेक्ट इसमें लोग खड़े होकर चुनने से दे क्योंकि आप जनसंख्या इतनी बढ़ गई और इनसे लोग नहीं होता। आप इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है लोकतंत्र का वो उसके भी दो कई तरीके हैं, कई सिस्टम। एक होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो जिसे आप लोकसभा के उम्मीदवार चुनते हैं विधानसभा के उम्मीदवार, फर्स्ट पास द पोस्ट मतलब ये पोस्ट है ये जो पहला क्रॉस कर देगा वो जीत जाएगा। अब इसमें क्या है कि इसमें जिसके सबसे ज्यादा वोट पड़ गए वो जीत जाएगा। तो यदि किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 100 वोटर्स हैं, एक को मिला 30 बाकी को मिला 25-25 सपोज मिला, तो यदि जिसको 30 मिला है वो जीत जाएगा। इवन इफ कॉन्स्टिट्यूएंसी में 70 लोग 100-30 70 लोग जो है उसको चुनना नहीं चाहिए। सो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की एक बहुत बड़ी क्रिटिसिज्म है कि ये ऐसे उम्मीदवार को चुन लेता है जिसको बहुत सारे लोग नहीं भी चाहते फिर भी वो चुन लिया जाता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से इस समय जितना मुझे पता है भारतीय संविधान में भारत के राष्ट्रपति ऑब्वियसली उपराष्ट्रपति और हमारे जो काउंसिल है एमएनसीज हैं इनमें और कहीं कई जगह कई स्टेट्स ने अपनी म्यूनिसिपल काउंसिल्स के भी इलेक्शन में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन किया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो सिस्टम है वो ज़्यादा अच्छा लोकतंत्र का मापक है, किंतु इसमें जब ज़्यादा वोटर्स होते हैं तो उसमें इलेक्शन कोटा डिसाइड कर पाना एक बड़ा कठिन का। किंतु इस जो हमें निर्देश है उनका अनुपालन करना है। ये जो चुनाव है काउंसिल में एमएलसी का वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से होना है और इसलिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य इस पूरी निर्वाचन प्रक्रिया में यदि मैं कहूँ कल कोल्डे जो डीओस 17 जुलाई के देख रहे हैं और फिर 3 तारीख को मतगणना है। और इसलिए मैं आपसे वार्तालाप या संवाद स्थापित करूँ उससे पहले मैं बहुत स्पष्ट तौर से पूछना चाहूंगा कि आप में से कोई भी अनिच्छुक हो इस कार्य को करने के लिए तो वो अभी बताओ। मेरा सवाल तो नहीं होगा यदि आपकी कोई पर्सनल बहुत विकट समस्या रहेगी जिसके लिए आप 3 तारीख को उपस्थित नहीं हो सकते या आपको दिक्कत है आपके पास जो एमएलसी गोरखपुर फैजाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में हमें एक सदस्य का निर्वाचन किया जाना है उसका हम पूरे प्रयासरत हैं कि माननीय निर्वाचन आयोग की जो भी नीति निर्देशना है जो भी गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस हैं और जो विधिक व्यवस्था की जानी है वो हम करें। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम एक फ्री फेयर पोल यहाँ पर कराएं और जो भी मताधिकार का प्रयोग किया जाना है वोटर्स द्वारा वो अपने निष्पक्ष रूप से स्वतंत्र रूप से कर पाएँ। सारी प्रक्रियाओं को आखिरी अंजाम दिया जा रहा है और मैं आशा करता हूँ कि सभी के सहयोग से एक हम अच्छा निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न करा पाएंगे।